एजुकेटेड बंदा आज की जो दुनिया है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकारी में पढ़ भी रात ने पढ़ दो। सीकर जाके एक चीज़ ये नोटिस की है कि अपने जो मारवाड़ साइड है, बीकानेर बाड़मेर साइड ही है, इनमें पढ़ाई को लेकर ये है कि कौन सा नौकरी लग जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लग गया, यहाँ नियाल में 6 से 10 तक पढ़ा, अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ऊपर मारिया होता है मारे में। हाँ, तो मतलब बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सर का कि जिन्होंने मेरे को 10th के बाद आगे के भविष्य के बारे में बताया। फैकल्टी टीम है, वो भी अनमैच्ड फैकल्टी टीम है GCI की, बहुत बढ़िया सा माहौल है। टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया जाता था। टेस्ट सीरीज सबसे जो खासियत है वो टेस्ट सीरीज ही थी उधर की। नमस्कार, मैं महादेव और आप सब लोग स्वागत है झलको बीकानेर पर। आज आप बीकानेर रामायण है खिंदा सरगांव रामायण है मौजूद है। खिंदा सरगांव रामायण एक नॉर्मल परिवार से एक बच्चो है जिको नीट रामायण जी के सिलेक्शन हुए 635वीं रैंक हासिल करी। आज बार परिवार से यहाँ पर जुड़िया परिवार से बातचीत कराला और के कुछ बार पढ़ाई ने लेर सिलसिलो चाल तो ये बातों पर भी आप गौर कराला। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। दुर्गा क्या नाम है जी? आप शुभ नाम। राम जी अठाई अच्छा, दोहिते ने पढ़ाई लिखाई अठाई करवाई के करो भाई। दोहिते को सिलेक्शन हो नीट रमाई ने, मतलब नीट रो जी को एग्जाम में बहुत फाइट करियो और 635वीं रैक आई है, के कुछ कितनी कहीं खुशी है बहुत खुशी हुई। ये जी की नीट रमाई ने सिलेक्शन। और भी गांव रमाई ने कोई बच्चा रोड़ो है पहला सो? पहली ना कोई पहली बार रोड़ो है तो बार। मतलब सबसे पहली बहुत थारे परिवार रमाई ने नंबर आया, जब की खुशी भी थोड़ी अलग ही है। हाँ, लग पूरे गांव में भी खुशी हुई। स्वागत वगैरह किसो को गांव रमाई ने? बढ़िया हुई हो। बढ़िया, सम्मानित भी करे होना ने। स्टार्टिंग रही अगर से बात करा तो कौन सी जगह में पढ़ाई लिखाई आ रही जी की जितनी भी हुई पकट है सो हुई? ये तो सरूपोत में तो बैठे बड़ो दे रहता जन पढ़ते ही हो थोड़ा बहुत, पचे अठे आ गया जन पचे अठे आने में बाद में अठे प्राइवेट पढ़ रहे। प्राइवेट नहीं, सरकारी में पढ़ी हो। सरकारी में पढ़ भी रात ने पढ़ दो, रात ने 2-2 3-3 बजे तक पढ़ दो। मैं हिला करता अब गाँव आ जिया नीचे आ जाया हो जिया वहाँ पर खुद पढ़ दो। हाँ, मतलब ऊपर मकान है और बट पढ़ाई करता है। ऊपर है ही। आपने सके सवेरा बड़ा भाई है जी का सो भी बातचीत कर लिया आपा। नमस्कार जी, क्या नमस्कार नाम है आप रो? रणवीर। भाई तो कर ली नीट रमाई ने तैयारी और पा ली आप वाली सफलता, आपनों के इरादों है कौन सी क्लास में पढ़ाई पढ़ाई चल रही है आप रही? BA कर रहा हूँ, डिग्री बीए कर रहे हो, के आगे के सपनों है आप रो भी? आगे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे अठे हैं, सुई करोगा क्या और कड़े अटे से हदना से कर रहे हैं, अपार तो अठम कर रहे हो, फिर आगे कोई प्लान है? आगे बीकानेर से कर लेंगे। और अच्छा, अगर बात करा भाई बयार बीच में, क्योंकि हम उम्र रही हो दोनों बराबर रहा हो, तो ए सवाई जी शैतान की ताक पहला खाली नहीं, शैतान कौन है, एकदम पढ़ाई पढ़ा कोई आगे तो ज्यादा करता था। शैतान ही सगली थाने बुला देगी। हाँ, शैतान नहीं हूँ, शैतान नहीं है सवाई। गांव पकड़ बैठ गया, नानो जिन छोड़ के जाओ कौन देख रहे? मतलब हाँ, नाना जी के पास में तो बचपन में किसा का है? बहुत शरारत नहीं करता था, एकदम चुपचाप बैठा रहता। दो ही तो सिलेक्शन हुई है नीट रामायण, बड़ा रैंक भी खुशी अच्छी है। करी हाँ, है, कितनी गई खुशी हो रही है तने? बड़ी खुशी हो रही है गणी। बड़ी खुशी हो रही है, मतलब हीरो फल है जी को तो दो ही तेने जावे कि हीरी मेहनत है जी की वजह से आज लोग करते हैं यार यार थाने पूछ रहे हैं। हाँ, पूछ जन पड़िया है तो सीकर अच्छा, दो ही तेने कौन सी जगह पढ़ाने भेजो थे? क्या बच्चों नाम रोशन करने लाग रही हो? अच्छा, हाँ, बच्चों को सपना हो वो पूरा करे। बाकी के कुछ सोच रखे हो? बाकी नीट की तैयारी करी थी, उसमें अच्छे नंबर बने। अच्छा, रैंक कितनी हासिल करी पता है क्या आपने? 635 625। और अंक की बात करें तो कितना रहा? 710 710। तो प्राय कर आपने ग्रामीण क्षेत्र में आप नंबर है जिका पर भी ज्यादा ध्यान रखा, रैंक सो कोई ज्यादा ध्यान को नहीं रख रहा, लेकिन जिकी जिकी आ रही कोचिंग ही बड़े थे, कभी जा रहा है पहला? हाँ, मैं जाके माहौल देखा तो मेरा भी मन लग गया, वो पापा जी के साथ गया तो भैया साथ गया एडमिशन करवाने। मतलब बड़े यार कोचिंग रमन किसो का माहौल हो, रख रखाव वगैरह बहुत अच्छा था, मैं देख के आई ना, खाना पीना रहना पढ़ाई का बहुत अच्छा था। अपनों एकदम बढ़िया, घर लायक रो खानो पीनो हो हाँ, बड़े। अब सुविधा थी गर्म पानी की और सब कुछ। जिको सवाई जीरो ऊपर रूम है जिके मैंने बैठ पढ़ाई कर करता, जब घरे रहा करता तो भी रूम पर भी चलांगा और बैठे सो भी यार देखा ला, मतलब के कुछ रूम रे मैंने सिस्टम बना रखे हो, क्या है पढ़ाई कर करता, अब मतलब ओ ई रूम में बैठ रहे पढ़िया करता। अच्छा, इन थी के नाम बताए, मतलब ऊपर ले रूम मालियो? हाँ, जैसे अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ऊपर मारिया होता है मारे में। हाँ, मतलब तो मकान के ऊपर जी को कमरों है बिना हाँ माले हो गया कर, वो भी एक विशेष पॉइंट है ते भी गौर कर लियो कि मतलब सबसे ज्यादा ई रूम ने थे टाइम दियो थर पढ़ाई में। हाँ तो जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लग गया, यहाँ नियाल में 6 से 10 तक पढ़ा, फिर 10वीं में एक हो गया कि अच्छा बोर्ड में बढ़िया नंबर लाने हैं और अच्छा सा
मतलब एक 10वीं तक के बच्चे के लिए स्कोप क्या होता है बोर्ड में नंबर लाना, तो फिर मैंने एक अलग सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया अपने लिए। तो मैं यहाँ अकेला पढ़ता था और कभी कभी मेरे भैया मेरे साथ पढ़ लेते थे, तो हम लोग साथ साथ पढ़ लेते थे। और तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई करोड़ी आप? हाँ, मैंने 6th से लेकर 10th तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, और 10वीं में जब मैं पढ़ता था तो हमें एक मैथ्स के टीचर पढ़ाते थे जिनका नाम प्रभुदयाल जी है जी। और वो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, उनकी पोस्टिंग थी हमारी स्कूल में। तो एक दिन वो सर मेरे को बुलाए और उन्होंने मेरे से पूछा कि आगे क्या है 10वीं के बाद। तो मैंने उनको बताया कि पहले जब 10th तक पढ़ा था मेरे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सर को बोला मैं सर साइंस मैथ लूँगा। तो फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि साइंस मैथ साइंस बायो इन सभी में क्या स्कोप है, किस किस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। तो एक खास बात थी कि उनकी बेटी भी जी गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट होके बीकानेर में SPMC में MBBS करके आज PG की तैयारी कर रही है। तो उन्हें पता था कि नीट के बारे में, तो दोनों ने मेरे को बताया कि नीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या पैटर्न्स वगैरह हैं, कौन सी कोचिंग तैयारी करवाती है, सीकर है, कोटा है, बीकानेर है। तो उनकी बेटी भी वहीं से पढ़ी थी, तो फिर उन्होंने ही आगे का मैनेज किया। एक दो महीने तक उन्होंने मेरे को सब बताया कि आगे कैसे कैसे होता है। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सर का कि जिन्होंने मेरे को 10th के बाद आगे के भविष्य के बारे में बताया। बहुत ही कम होते हैं ऐसे लोग जो किसी का सोचते हैं, मतलब बारे गुरुजी रे बदौलत ही थे ई गुरु कृपा कोचिंग रमान। देखो मेहनत तो स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है, लेकिन रास्ता हर स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट खुद ही सोचते हैं। मैंने ये ऐसा सोचा नहीं था कि नीट वीट भी होती है कुछ, उन सर ने ही मेरे को बताया। और आज उन सर ने भी बहुत ऐसे कोशिश अच्छा किया कि मेरे को वहाँ भेज दिया और आज मेरा अच्छा नंबर और रिजल्ट बन गया। अब आप ये अगर एज की बात करें, बहुत कम एज लग रही है, आपकी एज कितनी है? 17 साल। 17 साल है, और 17 साल मैंने नीट को एग्ज़ाम है जी। हाँ, मतलब मिनिमम एज यही होती है 17 साल, और विद 12th मैंने नीट का एग्ज़ाम फाइट किया। कोचिंग यही है बारे में मैंने बट है जया बाद्र में थन के कुछ लगे अठहरी पढ़ाई में बठहरी पढ़ाई में कितों का अंतर लगे? देखो 10वीं तक की जो पढ़ाई होती है वो होती है सब्जेक्टिव लेवल, मतलब हम रट के भी काम चला सकते हैं, लेकिन जब एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका मोड ऑफ स्टडी है वो भी अलग हो जाता है। हमें पढ़ने का तौर तरीके भी चेंज करने पड़ते हैं, हमें अपने स्टडी टाइम भी चेंज करना पड़ता है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, और इन सब चीज़ों की हमें गाइडेंस GCI की टीम, खुद बुडानिया सर, मेंटर्स, इन सभी ने दी कि कैसे पढ़ना होता है। एक क्लास में 100% ध्यान रखे। वहाँ पर गुरु कृपा की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि हमें 11th और 12th दोनों को मिला के कम से कम 200 से ज़्यादा टेस्ट लगे। इसके कारण क्या हुआ, हमें पता चलता गया कैसे नीट में पढ़ना है। उन टेस्टों से हमारी मिस्टेक्स भी कम हुई और हमें बहुत बढ़िया सा रिवीजन भी हो गया। तो GCI की बहुत अच्छी खास बात है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज चलाते हैं। और 11th में जब मैं शुरू शुरू में गया तो वहाँ के टीचर्स ने मेरे को गाइड किया कि कैसे पढ़ना है, घबराना नहीं है, यहाँ पर समझ धीरे धीरे आता है। तो बहुत अच्छा सा माहौल भी क्रिएट करके रखता है, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन भी होता है। तो इन सभी चीज़ों से आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको भी, गुरु कृपा की पूरी टीम, बुडानिया सर, काउंसलिंग, मेंटर वगैरह सब। अगर जब मान लो नए बच्चों जाओ है अठे सुबह है तो बिंगे साहब के बार ओके कुछ रवे हो रवे? तो मैं यहाँ से मतलब 10th करके 11th 12th फाउंडेशन से मैंने तैयारी की थी। तो एक जब 11th का बच्चा वहाँ जाता है तो उसको बिल्कुल भी मेंटली प्रेशर नहीं होता, फिजिकली भी एकदम मेंटली फिजिकली सब तरह स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। टीचर भी वहाँ गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना होता है, ऐसे नहीं कि एक दो बार नंबर कम आए तो डांट दिया कि तेरे से कुछ नहीं होगा, नहीं, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंट रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि तेरे से नहीं होगा, सब अच्छा सा माहौल बना के रखते हैं। मतलब एकदम समझाउन दीजिए कि बढ़िया है, फैकल्टी टीम है वो भी अनमैच्ड फैकल्टी टीम है GCI की, बहुत बढ़िया सा माहौल है। तो जी का आपने जैसा और बच्चा है बन के कुछ कहना चाहते थारी तरफ से? मैंने सीखे जाके एक चीज़ ये नोटिस की है कि अपने जो मारवाड़ साइड है, बीकानेर बाड़मेर साइड है, ये नागौर वगैरह, इनमें पढ़ाई को लेकर ये है कि कौन सा नौकरी लग जाएंगे। मतलब वो ये नहीं सोचते कि पढ़ के और बहुत कुछ किया जा सकता है। एक एजुकेटेड बंदा आज की जो दुनिया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेकिन वहाँ क्या माहौल है, सबको ही पढ़ाया जा रहा है, नीट है, IIT है, JEE है, दूसरी आर्ट्स का स्ट्रीम है, कॉमर्स का स्ट्रीम है, वहाँ पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस होते हैं लोग। इस साइड थोड़ा ये कम है, लेकिन एक कंपटीशन की तैयारी के लिए खुद में जुनून होना चाहिए कि हाँ मेरे को करना है। एक घर बैठा भी कर सकता है, घर बैठे भी अपन सेल्फ स्टडी से, आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा,
मेन सबसे जो बड़ी बात है वो है पढ़ाई के प्रति लगाव, जुनून। ऐसे नहीं कि 2 घंटे पढ़ लिए फिर मस्ती कर ली, फिर 2 घंटे पढ़ लिए फिर मस्ती, नहीं। अगर आप 5 घंटे ही पढ़ते हैं एक दिन में, तो उस 5 घंटे में ओनली एंड ओनली पढ़ाई होनी चाहिए, उसके अलावा नो डिस्ट्रक्शन। एकदम आपका माइंड सिर्फ आपकी किताबों के पास होना चाहिए। अभी अगर पढ़ाई की बात करना तो मतलब पढ़ते कितना घंटा पढ़ाई चलते, मतलब सुबह रो आप के टाइम और शाम के टाइम हो, तो जनरल शेड्यूल हो जी को पूरा बताओ। जब मैं शुरू शुरू में गया तो 1-2 दिन ही लगी थी सुबह की क्लास, और मोर देन जो हमारा 11-12 का टाइम था यूनिक शिफ्ट में था, तो 2 से 8:30 तक क्लासें होती थी। फिर हम घर आते थे और खाना वाना खा के घर पे बात करके 9-9:30 जाते थे। फिर सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया वो हम नोट्स रिवाइज करते थे, उसके बाद उन नोट्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन, हमारे मॉड्यूल नाम का एक ऐसे असाइनमेंट होता है, मतलब मॉड्यूल होते हैं उसमें हम असाइनमेंट्स दिए होते हैं, तो उससे हम क्वेश्चन करते थे और फिर सो जाते थे, और कुछ टाइम सुबह पढ़ते थे। और वहाँ हमारा जैसे इवनिंग शिफ्ट था, तो सुबह 9 से 11 के बीच में डाउट काउंटर नाम का एक टाइम होता है, उसमें पीरियड, उसमें हमें जो भी नहीं आया क्लासेस से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन सोल्व करते हमें दिक्कत आई, या कोई पर्सनल दिक्कत है जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे, तो हम वो जाके अपने मेंटर से, अपने टीचर से, हमें जो पढ़ाते थे वही बैठते थे वहाँ, तो हम वहाँ अप कर लेते थे, डाउट सोल्व वगैरह कर लेते थे। और ऐसे कुल मिला के 5-6 घंटे पढ़ते थे, अच्छी खासी नींद लेते थे 8 घंटे, और 6-7 घंटों की कोचिंग हो जाती थी। मतलब बड़े प्रेशर ना हो पढ़ाने को, तरीको बढ़िया। हाँ, तरीका बहुत बढ़िया था, कोई मेंटली प्रेशर नहीं किया जाता था, टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया जाता था। टेस्ट सीरीज सबसे जो खासियत है वो टेस्ट सीरीज ही थी उधर की। रिवीजन हमने कम से कम, गुरु कृपा ने खुद, एक स्टूडेंट तो खुद ही कितना करता है उस पर मैं डिपेंड करता है, लेकिन गुरु कृपा ने खुद ने भी कम से कम 8 से 9 बार मैं टेस्ट के थ्रू पूरे 11-12 के सिलेबस को रिवाइज मतलब एक ही हिसाब से, तो मतलब जी को आप जी को सफलता रो पुरुष रहे है वो गुरु कृपा। हाँ, स्टूडेंट का तो होता ही है, तो मैं इन गुरु कृपा की पूरी टीम को देना चाहूँगा। मेरे सर जिन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे पढ़ना होता है, मेरे परिवार का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे को, मेरे मामा जी नाना जी सबका, तो अच्छा खासा माहौल था, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।